अत्यधिक ठंड जानलेवा हो सकती है, सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिए। हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण हैं हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण हैं, तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, खबरें दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां परमिंदर सिंह। पहले एक नज़र हुण तक दीआं चोणवीआं खबरां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सारे वसनीकों नूं सेहत सहूलतां मुहैया करवाउण लई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जय सेहत योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर आत्म निर्भर भारत अभियान में पूरा योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके आकाशवाणी के बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देशवासियों नाल गलबात करनगे। मोहाली जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना तहत उन्होंने लाभ दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर धन्यवाद किया। भारत में कोविड-19 तो ठीक होने की दर में लगातार सुधार जारी। देश में हुण तक 97,40,000 तो वध कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। अज राष्ट्र देश की आजादी के कौमी नायक और अणखी योधे शहीद ऊधम सिंह उन्होंने 121वें जन्मदिन से याद कर रहा है। शहीद ऊधम सिंह के जद्दी पिंड सुनाम विखे करवाए गए समागम दौरान वख-वख सियासी पार्टियों के नेतावान ने शहीद ऊधम सिंह निघियां श्रद्धांजलियां दित्तियां। ਉ 1971 की भारत पाक जंग में भारत की शानदार जित की याद में जेतू मशाल अज पटियाला पुजी। तो मेलबॉर्न में खेडे जा रहे दूजे टैसट मैच में आस्ट्रेलिया की पहली पारी 195 दौड़ों से निबड़ी। भारत ने पहले दिन का खेड खत्म होने तक एक खिडारी पिछे 36 दौड़ा बनाईया। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज जम्मू कश्मीर के सारे वसनीकों नूं सेहत सहूलतां मुहैया करवाउण लई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जय सेहत योजना की शुरुआत की। इस नाल केंद्र शासित प्रदेश के सारे वसनीकों नूं वधिया ते किफायती सेहत सेवावां मुहैया होणगीआं ते उन्हां दा खर्चा घटेगा। इस स्कीम के वर्चुअल लॉन्च समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद सन। प्रधानमंत्री जय सेहत योजना तहत जम्मू कश्मीर के सारे वसनीकों नूं मुफ्त सेहत बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। हर एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। इस स्कीम का 15 लाख परिवारों को लाभ होगा। योजना का लाभ देश भर में कितने भी दिया जा सकेगा। PM जय सेहत योजना तहत सूची में शामिल हस्पताल सेहत सेवावां उपलब्ध करवाएंगे। स्कीम के उद्घाटन तो बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन जम्मू कश्मीर लिए इतिहासक है। उन्हें कहा कि आयुष्मान भारत योजना का पहला 6 लाख लोगों को ही लाभ मिल रहा है, पर हुण नवी योजना नाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 21 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर आत्म निर्भर भारत अभियान में पूरा योगदान दे रहा है। उन्होंने हाल ही में मुकम्मल हुई जिला विकास कौंसलों की चोणों लई लोगों को बधाई दी और उन्होंने धन्यवाद किया। अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के करीब 6 लाख परिवारों को मिल रहा था। अब सेहत योजना के बाद यही लाभ करीब करीब 21 लाख परिवारों को मिलेगा। साथियों, बीते 2 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी
मुश्किल से समय में बहुत राहत मिली है। यहां के करीब 1 लाख गरीब मरीजों का अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके अपने बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देशवासियों नाल अपने विचार सांझे करनगे। मन की बात प्रोग्राम की यह 72वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी से हर महीने आखिरी एतवार प्रसारित होने वाले इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री वालों अपने मन की बात करन दे नाल नाल लोगों के विचार भी ले जाते हैं और देश के वख सूबे में कुछ वखरा करन वाले लोगों नाल प्रधानमंत्री फोन से सीधे गलबात करते हैं, जिसलिए यह प्रोग्राम काफ़ी हरमन प्यारा होया है। आकाशवाणी तो इलावा दूरदर्शन के सारे चैनलों से इस प्रोग्राम का सवेरे 11 बजे तो सीधा प्रसारण किया जाता है। मौजूदा खरीफ मार्केटिंग सीजन दौरान 54 लाख तो वध झोना पैदा करने वाले किसानों लाभ होया है। खेती मंत्रालय ने कहा है कि घट्टो घट समर्थन मुल नाल खरीदी गई झोने की फसल 54,78,000 किसानों 84,178 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि 445 लाख टन तो वध झोना पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलंगाना उत्तराखंड तमिलनाडु चंडीगढ़ जम्मू ते कश्मीर केरल गुजरात आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बिहार तो खरीदया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार खरीफ फसलों की खरीद का काम मौजूदा MSP योजनावां अधीन जारी रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों बीते दिन PM किसान योजना की दूजी किस्त जारी की गई, जिस दौरान देश भर के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। बाकी सूबे वांग पंजाब के किसानों के खातों में भी 2,000 रुपए की रकम आई है। मोहाली जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना तहत उन्होंने लाभ दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर धन्यवाद किया। जिले के मछली कला पिंड के किसानों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की भलाई लिए बहुत काम किए, पर कुछ पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही ने। उन्होंने कहना है कि पार्टियां झूठा प्रचार बंद करना चाहिए है। प्रधानमंत्री के होर केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिता है कि MSP इस तरह जारी रहेगी और मंडियां भी कायम रहनगियां। इस करके किसानों अपना अंदोलन खत्म करके गलबात अगे आना चाहिए है। जेडे कल 2,000 रुपया मोदी जी ने पाए, मैं 18,000 करोड़ रुपया वो मैं शलांघा करदा, वो बहुत वधिया काम किया है। मेरे खाते च 2,000 रुपये आए है किसान सम्मान निधि योजना च, मैं वो शलांघा करदा। किसान सम्मान निधि योजना 2,000 रुपया जी आया, साढ़े लोग सारे खुश है जी, 18,000 करोड़ जी। हाँ जी, सारा इतना आया जी, मछली जी भी सारे लोग सारे खुश है। 2,000 रुपये मोदी साहब ने पाए जी, बड़ा वधिया लग्या, सारे नू आ रहे है, कोई दिक्कत नहीं है जी। सारे पिंड च मतलब वाह वाह है, साढ़े इलाके च भी कोई यह जहाँ दिक्कत नहीं हैगी जी। ये जो प्रचार चल रहा पहला भी MSP तो भी मतलब 1.5 गुना वध मिल रही है जी, जिरी सानू कोई दिक्कत नहीं आई जी। कुछ भरा होंगे चलो थोड़ी बहुत ही आदि जी दिक्कत, कोई ऐसी गल नहीं। 18,000 करोड़ रुपया पाया है ये प्रधानमंत्री ने, किसी तो लेके नहीं पाया ये समा, अपने उन्होंने अपने बजट तो कढ़ के किसानों की मदद की है, किसानों के हित वास्ते होया है। जो MSP कह रहे भी टुट जानी है, मंडियां खत्म हो जाएगियाँ, कॉन्ट्रैक्टिंग जो खेती है भी ये प्राइवेट कंपनी के हाथ में चले जाएगी, ये सरासर झूठ है। क्योंकि जो किसानी बीड़ा है ये मोदी सरकार ही पार ला सकते हैं, ये कन्फर्म है। क्योंकि जो 2,000 रुपया हर किसान के खाते में आ रहे ये उन्हां दी एक आमदन में वाधा करने वास्ते है। 2,000 जिहड़े अपने खाते च आए है जी कल, बहुत वधिया गल है जी। आह मैं बहुत धन्यवाद करता जी सेंटर गौरमेंट का जी, जो उन्होंने ये स्कीम नवी चालू की है जी। हाँ जी, किसान सम्मान निधि योजना है जो जी, ये बहुत मतलब शलाघा योग स्कीम है जी, जिस नाल बहुत फायदा हो रहा है जी किसानों का जी। हाँ जी, जो 18,000 करोड़ रुपए पाया जी किसानों, 9 करोड़ किसान है जिसे बिच आ रहे हैं जी, उस नाल बहुत फायदा जी किसानों का जी। MSP नहीं सर टूट सकती है, तो चलो बहम है जी, पता नहीं क्यों अपने किसानों भरावान क्यों बहम हो गया जी, नहीं समझ मारी। बाकी MSP तो देखो जी ना टुटी है, 70 साल में ना टुटनी है जी। अज तक सानू इन्नी उम्र हो गई जी, कदे पैसे तो किसी जिम्मे इन्हें सरकार ने पाए नहीं जी, अपना ये पा रहे मोदी जा पा रहे हैं जी। भारत में COVID-19 तो ठीक होने की दर में लगातार सुधार जारी है। बीते दिन देश में 22,274 मरीज कोरोना मुक्त होए, जिस नाल हुण तक इस बीमारी तो ठीक होने वाले लोगों की गिनती 97,40,000 तो पार हो गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार बीते दिन 22,273 नवे कोरोना मामले सामने आए। मंत्रालय ने इस गल से तसली प्रगट की कि बीते 13 दिनों तो रोजाना नवे ताज़ा मामलों की गिनती 30,000 तो हेठा चल रही है और भारत में कोरोना तो मुक्त होने वाले कुल लोगों की संख्या विश्व में सब तो वध है। इस समय देश में 2 लाख
81,667 एक्टिव करोना मरीज ने जो हुण तक करोना तो पॉजिटिव होने वाले कुल मामलों का 2.77% बनता है। देश के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सैनानी शहीद ऊधम सिंह का अज 121वां जन्मदिन है। समुचा देश उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। शहीद ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में संगरूर जिले के सुनाम कस्बे में होया सी। स्वतंत्रता अंदोलन दौरान गदर पार्टी ते हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसीएशन जुड़े रहे सन। 1919 जलियांवाला बाग में हुए कतलेआम ने उन्होंने बहुत ज़्यादा दुखी कर दिता। कोई दो दहाकों बाद उन्होंने अपने देश के सैकड़े मासूम लोगों का कतल करने जिम्मेवार पंजाब के उस वेले के लैफ्टिनेंट गवर्नर रमाइकल ओ डायर ने लंडन में मार के इस कतलेआम का बदला लिया। डायर की हत्या तो बाद उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया गया। जुलाई 1940 लंडन की एक जेल में उन्होंने फांसी दे दी गई सी। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके उन्होंने श्रद्धांजलियां दिंदियां नमन किया है। संगरूर जिले में पेंदे शहीद ऊधम सिंह के जद्दी पिंड सुनाम विखे एक समागम का आयोजन किया गया, जिथे लोगों ने अपने शहीद को निघियां श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। कंबोज यादगार कमेटी वालों मनाए गए इस समागम में अकाली आगू सिकंदर सिंह मलूका, परमिंदर सिंह ढींडसा, SGPC के साबका प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल, मैंबर पार्लीमेंट भगवंत मान, विधानकार अमन अरोड़ा ते होर इनकलाबी शख्सियत शामिल हुई। समागम दौरान देश भगती के गीत ते कवितावां भी पेश कीतियां गईयां। 1971 की भारत पाक जंग में भारत की शानदार जित को याद में जेतू मशाल अज पटियाला पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों 16 दिसंबर को नवी दिल्ली की कौमी जंगी यादगार तो 1971 की जंग के सबका सैनिकों को चार वख-वख मशालां सौंपियां सन, जिन्हों देश के वख-वख हिस्सों लई रवाना किया गया। इन्हां विचों एक मशाल मेरठ, देहरादून ते अंबाला तो हुंदी हुई पटियाला पुजी। इस मशाल नूं इरावत डिवीजन पटियाला के जनरल ऑफिसिंग कमांडर ने प्राप्त किया। सैनिकों वालों मशाल पुजन ते गार्ड ऑफ आनर दिता गया। बाद में मीडिया को संबोधन करदे GOC ने कहा कि इरावत डिवीजन ने 1971 की भारत पाक जंग में अहम योगदान पाया। उन्होंने दसाया कि सबका सैनिक और वीर नारियों के योगदान के सन्मान में पटियाला कई प्रोग्राम उलीके गए हैं। इन्होंने समागम दौरान 1971 की जंग के 70 सबका सैनिक और 25 वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने दसाया कि जेतू मशाल 29 दिसंबर को पटियाला तो नाभा लई रवाना होगी और नाभा में भी इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में कल शुरू हुए मुकाबले दौरान सुरक्षा बलों ने 2 अतवादियों को ढेर कर दिया। इस मुकाबले में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। खबरें लिखे जाने तक यह मुकाबला अजे भी जारी सी। एक सरकारी बुलारे ने श्रीनगर में दसिया है कि बीते दिन सुरक्षा बलों ने अतवादियों की मौजूदगी बारे सू मिलन से एक बाग में घेराबंदी करके तलाशी शुरू की, जिस दौरान लुके हुए अतवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायर किए। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायर किए और यह अतवादी बाग चों भज के एक नेड़ले मकान में दाखिल हो गए। हनेरा होने करके सुरक्षा बलों ऑपरेशन रोकना पड़ा तो अज तड़के मुड़ अतवादियों की तलाश शुरू हुई। लुके हुए अतवादियों ने फिर पुलिस से फायर किया और जवाबी फायर में 2 अतवादी ढेर कर दिए गए। इस ऑपरेशन दौरान मकान बुरी तरह तबाह हो गया। मारे गए दोवें अतवादी अलबदर अतवादी जथेबंदी संबंधित दसे जा रहे हैं। इलाके में तलाशी अभियान अजे भी जारी है। मेलबॉर्न में खेडे जा रहे दूजे टैसट मैच में आस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहला बल्लेबाजी का फैसला किया। उसकी सारी टीम पहली पारी में 195 दौड़ों के कुल स्कोर से आउट हो गई। भारत ने अपनी पहली पारी में पहले दिन का खेड खत्म होने तक एक खिडारी पिछे 36 दौड़ा बढ़ाई सन और इस तरह वो आस्ट्रेलिया तो 169 दौड़ा पिछे सी। खेड खत्म होने समय शुभमन गिल 28 और चितेश्वर पुजारा 7 दौड़ा बना के क्रीज पर सी। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल बिना कोई दौड़ बनाए आउट होया। उसनु मिचल स्टार्क ने आउट किया। इस खबरों के बुलेटिन खत्म होता है। आगे दियो नमस्कार।